नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू अर्टिगा के बारे में। अर्टिगा के रूमर्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। लॉन्च डेट का भी कुछ 22 तारीख को बता रहे थे, पर लेकिन अब कंफर्म डेट आपके सामने मैं बता देता हूँ, 15 तारीख को आपकी अर्टिगा लॉन्च हो जाएगी। अर्टिगा और एक्सेल 6 दोनों ही गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स बढ़ाए हैं, क्या मॉडल बनाए, कौन कौन से कलर ऑप्शन इस बार मिलने वाले। फ्रंट से बिल्कुल चेंज हो जाएगी ग्रिल, बाकी और कुछ नहीं चेंज होगा, ग्रिल चेंज हो जाएगी। हेडलैम्प में आपको इस बार एलईडी मिल जाएंगे, फोग लैम्प एलईडी मिल जाएंगे, और साइड प्रोफाइल में इतना कोई चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ अलॉय व्हील्स आपको बदले हुए दिखेंगे, क्योंकि देखो कैमोफ्लोज भी इन्होंने ग्रिल को ही ढककर बनाया हुआ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। साथ में आपको बेस मॉडल में तो वही स्टील रिम्स ही मिलने वाले हैं, और रियर लुक कुछ इस तरह का दिखने वाला है। यही फ्रेश इमेज है इसकी। रियर लुक में ऐसा इतना कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा होगा, जो बदलाव है वो फ्रंट से ही है, फ्रंट और अलॉय व्हील से ही है। और इस बार हेडलैम्प में आपको एलईडी और फोग लैंप पे आपको एलईडी यूनिट मिलने वाली है। अब बात करते हैं रियर से। रियर से देखो कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा बदलाव है, शायद जो अर्टिगा लिखा था उसके लोगों में थोड़ा सा बदलाव कर दें, और भी कुछ थोड़ा माइनर चेंजेस कर दें, पर इतना ज़्यादा कोई बदलाव होने ही नहीं वाला। जैसे ही आपको ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल आपको बलैनो मिलती है, सेम उसी से इंस्पायर ब्लैकिश मिलती है अब आपको रफ ब्लैक में, सेम उसी से इंस्पायर होकर आपको इस बार ग्रिल मिलने वाली है। अब बात करते हैं कलर की। कलर ऑप्शन आपको इस बार ये मिलने वाले हैं, वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू, ब्राउन और मिडनाइट ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। मिडनाइट ब्लैक, ब्लैक कलर मतलब कि आजकल ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा क्रेज मार्केट में चल रहा है, तो इस बार आपको ब्लैक कलर ऑप्शन भी आपको जरूर मिल जाएगा। ये कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। इस बार 11 मॉडल आपको टोटल मिलने वाले, 11 वेरिएंट, 3 मॉडल तो आपको सीएनजी मिलेंगे, VXI, ZXI और 2 रैम आपको इसमें मिल जाएगा। और इस बार आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन आपको इस बार मिलने वाला है, और 1.6 ऑटोमेटिक का मतलब कि टॉर्क कन्वर्टर, आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको इस बार ऑप्शन मिलने वाला है। इंजन वही आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलने वाला है, जिसकी पावर परफॉर्मेंस सच में ही काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो पावर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। म्यूजिक सिस्टम आपको स्मार्ट प्ले प्रो वाला मिल जाएगा, जैसा आपने उसमें देखा था टीजर लॉन्च हुआ था उसमें स्मार्ट प्ले प्रो का म्यूजिक सिस्टम था, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बलैनो में जब से अपग्रेड हुआ है तो सभी मॉडल में यही अपग्रेडेशन चालू है। बलैनो, अर्टिगा हुई, ब्रेजा हुई, एक्सेल सिक्स हुई, तो सभी में यही मिलने वाला है। 15 तारीख को आपको हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 15 तारीख को ही आपको शाम को बिल्कुल फ्रेश वीडियो मिल जाएगी। कोई भी कैमोफ्लोज की वीडियो नहीं होगी या कोई भी वैसी वीडियो, पूरी वीडियो हम आपको अपने चैनल पर लेके आएंगे, एक्सेल सिक्स की भी लेके आएंगे और अर्टिगा की भी लेके आएंगे, जो पूरे अर्टिगा की डिटेल वीडियो आएगी, जिसमें आपको सभी व्यूज, प्राइस, सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के कि और क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले, तो यही फीचर्स थे। टॉर्क कन्वर्टर या इंजन ऑप्शन कुछ बढ़ा दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको 11 मॉडल मिल जाएंगे, और स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन आपको मैनुअल, पहले स्मार्ट हाइब्रिड आपको ऑटोमेटिक में मिलता था, पर लेकिन इस बार मैनुअल से स्मार्ट हाइब्रिड शुरू हो जाएगा। प्राइस की अगर मैं बात करें तो प्राइस में देखो, अगर गाड़ी 7.5 या 8 लाख से शुरू होते हैं बेस मॉडल, तो जरूर 40 से 50 हज़ार का इंक्रीमेंट तो होने ही होने वाला है। 40 भी नहीं तो लगभग मुझे लग रहा है कि 20 से 25 हज़ार नॉर्मल तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि प्राइस भी रिवाइव होने वाले मारुति की सभी गाड़ियों के। अगर वीडियो पसंद